Vishu? Vishu Drao? चले फर्स्ट बार हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं पहुंच चुकी हूं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरा मन ही नहीं था। और मैं यहां पे, ये है टर्मिनल 1D, और यहां पे हम पहुंच चुके हैं। अभी 4:30 बज रहे हैं, तो फ्लाइट है हमारी 6 बजे की फ़्लाइट है। तो विशु को आप देख सकते हैं, विशु किस तरीके से मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए। नो विशु, आओ आराम से ले आओ उसका। और बस गाइस, घर से निकल गई थी और वीडियो बनाने का ज़्यादा मन नहीं था, तो इसलिए सोचा थोड़ी सी वीडियो ऐसे ही कैप्चर कर लूँ, क्योंकि बोलने का भी मन नहीं था, पता नहीं क्यों। और आप देख रहे हो गाइस विशु को कैसे मस्ती कर रहे हैं। आराम से
जाओ जाओ खड़े हो जाओ, मैं लूँ क्या गोदी? गैस बीच को गोदी भी नहीं आना है, ठीक है, और अकेले भी नहीं चलना है, अपने डैडी के साथ चलना है, आप देख रहे हो, और हाथ भी नहीं पकड़ना है, ये देखो। आजो आजो आजो, आओ आओ बेबी, ये देखो, हाथ नहीं पकड़ना है बीच को। और हम निकल गए थे घर से 9:30 बजे, 9:30 बजे जब हम निकले तो थोड़ा सा वेट करना पड़ा, आधे घंटे गाड़ी का, इधर से ही जाना है, हाँ आधे घंटे वेट करना पड़ा गाड़ी का, और इधर से ना, तो आधे घंटे वेट करना पड़ा गाड़ी का, और बस हमें मिल गई थी, अच्छी बस मिली थी, वॉल्वो मिल गई थी। फिर उसके बाद हम गाड़ी में बैठे और यहाँ पे पहुँच चुके थे 3:30 बजे। 3:30 बजे के बाद आपको पता ही है यहाँ जल्दी से, मैंने आपको बताया कि जल्दी से पहुँच जाना चाहिए, 2 घंटे तो आराम से लगते हैं। तो 3:30 बजे जो सारी प्रोसेसिंग थी वो सब यहाँ पे हो गई थी, और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है अभी। और ये देखो दोनों लोग कैसे आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा टाइम मेरे को यहाँ पे क्यों नहीं लगा। ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगती है जब हम अपना लेगेज जमा करते हैं, तो बेबी वाले जो होते हैं वो जल्दी से उनको हो जाते हैं। अभी कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, है ना, जैसे कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और आज तो मुझे बहुत ज़्यादा सुबह सुबह भूख लग गई है। अश्विन जी आपको भी लग गई है क्या? हम लोग बात नहीं कर रहे हैं आपस में, क्यों नहीं कर रहे हैं ये पता नहीं है, अभी होगा नहीं जाके पता चलेगा। खा लिया है, आपको पता है जब मन, नहीं वो वैसे चलेगा, तो कुछ खा लिया था, पी भी लिया था। आपको पता है ना जब मन ठीक नहीं होता ना तो इंसान कुछ नहीं कर सकता है, है ना, तो मेरा माइंड ठीक नहीं था, आपने देखा मैंने वीडियो भी ठीक से नहीं बनाया है, और अभी भी सोच रही हूँ कि घर पहुँच जाऊँगी उसके बाद सोचूंगी कि वीडियो क्यों नहीं बनाया है, तो इसलिए सोचा कि बना ही लेती हूँ, तो ये थोड़ा थोड़ा वीडियो मैं बना रही हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का ना, तो थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ, और घर से निकल के टाइम तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का कि मैं वीडियो बनाऊं। आपको पता है कि मैं आराम से यहाँ पे बैठी थी और ये दोनों लोग मुझे हंसाने के लिए देखो पीछे से आ गए, ये देखो ऋषु हम लोग को कैसे कर रही हो, आप किधर से गए थे? नहीं नींद नहीं आ रही है अभी, बाइक के लिए थोड़ा सा टाइम है तो इसलिए यहाँ पे बाइक गए थे ना, और इसमें जी विशु खिला रहे हैं क्योंकि विशु मतलब उनको पता है ना बच्चों को आप थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दो तो उन्हें और चाहिए होता है, तो वो ऐसे करके परेशान कर रहे थे, चॉकलेट दिया था विशु को, चॉकलेट केक, तो विशु को और खाना था तो इसलिए उनके डैडी खिला रहे हैं उनको।
ये देखो आ गए महाराज जी घूम के। विशु नो 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 राधे राधे कैसे करते हैं? राधे राधे विशु राधे राधे। नहीं अभी तो फोन चला रहे गाइस। वीडियो बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, पर विशु आपको पता है कितना, मतलब विशु के डैडी जरा से चले क्या गए। विशु ने एक भैया मिले थे बहुत अच्छे थे, उनको भी परेशान कर दिया, वो भी विशु को बहुत ज्यादा खिला रहे थे। और बस विशु को तो मतलब गोदी में रुकना ही नहीं है, विशु को तो चलते जाना है चलते जाना है, बस उन्हें छोड़ दो ऐसे करते हैं विशु। मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं है, फिर भी सोचा चलो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और अभी हमारी फ्लाइट का टाइम हो चुका है, हम जा रहे हैं फटाफट से। अश्मित जी धीरे धीरे चलो, बोर्डिंग गाइस स्टार्ट हो गई है ना, इसलिए Sukhad Ho. Ladies and gentlemen, welcome to SpiceJet. We are on our way to the aircraft now. For your convenience, let's get you familiar with the boarding process. Passengers seated in rows 1 to 15.
Ladies and gentlemen, get ready to protect yourself against the flu bug this season with Phyto Relief CC5. It's packed with phytoactives of turmeric, ginger, and pomegranate that offers natural effective relief from cough, cold, and flu. It's time to catch your flight and not the flu with Phyto Relief CC. We wish you a flu-free, healthy season. अंदर कैसे रुक गए उसको बाहर जाना है बेबी बाहर नहीं जाएंगे अभी गाइस हम उतर चुके हैं बस से और अभी जाना है और ये देखो आप गाइस विशु को पॉपकॉर्न खाने हैं तभी विशु चुप रहेंगे वरना विशु चुप नहीं रहेंगे कैसे खा रहे हो ऐसे देखो इस बच्चे को Thank you.
मिलेगा हमें सामने से, एक राउंड लगना गया हो नहीं गोल गोल घूम के आ गया होगा। इधर ही खड़े हो गए मिल रही ट्रोली है। सो भाई जब तक लगेज आता है तो मैंने सोचा अश्मित जी का थोड़ा सा काम हल्का कर देती हूँ, मैं ट्रोली लेके आ गई हूँ उनके लिए और जल्दी जल्दी से फिर हम घर पहुँच जाएंगे। हल्के हल्के चलो यार, आप भी ना बहुत तेज चल रहे हो। वो हिरन देखो ना, हिरन वो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। गिर ना जाए, अभी ज्यादा टेढ़ा हो गया। डर कितना लग रहा है इसको गाइस अब इसमें बैठा क्या दिया है, उतरने का नाम भी नहीं ले रहे। इसे उतर जाओ अभी बेटा, चलो घर जाना है। सो गाइस अभी हम चल रहे हैं और वो जा रहा है हमारा लगेज। हम जाने वाले हैं ऑटो से, ऑटो से गाइस। थकान के मारे हमारी हालत देखो, विजु को तो बहुत नींद नहीं आ रही है। मुझे भी बहुत। 700 ले रहे थे यार, 700 टैक्सी वाले 700, ऑटो वाले 400 और टैक्सी वाले 700। तो कभी कभी क्या होता है, हम टैक्सी से जाते हैं तो आज हम ऑटो से जा रहे हैं। नहीं नहीं, अगर 400-450 में अगर ओला उबर हो जाती तो कर लेते हैं। हाँ मतलब 500 तक रहता है, अगर टैक्सी हो जाती है तो कर लेते हैं, पर अदरवाइज हम ऑटो से ही चले जाते हैं। तो अभी मौसम ठीक है, ठंडा नहीं है, आप देख रहे हो जैकेट मेरे हाथ में है। बस वीचो के लिए थोड़ा हवा चल रही है ना, तो मैंने उसकी ब्लैंकेट उड़ा दी है। तो अभी ऑटो में बैठना है। सो गाइस आप देख सकते हो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर में और अभी करना है थोड़ा सा आराम। विशु को देना है दूध गरम करके, है ना विशु? अभी टाइम मेरे हिसाब से 9:30 हो रहा होगा ना। हाँ 9:30 ना, तो 9:30 हो रहा है गाइस। और ये मैं अपने घर में पहुंच चुकी हूँ, आप देख रहे हो। आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे वैसे? मैं आपसे गुस्सा हूँ, आप गंदे हो। क्यों? मैं नहाया नहीं तो मैं गंदा हूँ? आप अपनी तबीयत खराब कर लेते हो एंड टाइम पे। अच्छा जी, जैसे इनकी तबियत खराब हो गई थी और आप, लेकिन आवाज से कौन लग रहा है किसकी तबियत खराब है? मेरी लग रही है क्या? और क्या, चलो कोई नहीं। और क्या बोलते हैं कि बाकी का व्लॉग मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। तो अभी क्या लेके आये हो? क्या ये आपका जो गिफ्ट पेंडिंग रह गया था? न्यू ईयर गिफ्ट है। यस, मतलब आप धूल लगी हुई है ना थोड़ा ना, इसे साफ करो। आपके इस गिफ्ट से मैं खुश नहीं होने वाली हूँ, ठीक है? लो, और भी है क्या? लो, बिजली का बिल दिखा रहे हैं मुझे है क्या इसमें, दिखाऊं? इसमें इसमें है एक साड़ी, मेरी फेवरेट वाली। यस थैंक यू। चलो इसकी अनबॉक्सिंग गाइस मैं बाद में करूंगी, थैंक यू सो मच। पर मैं आपसे गुस्सा हूँ अभी, ठीक है? ये सोच रही है साड़ी देख के मैं इनसे हैप्पी हो जाऊंगी, तो मैं नहीं हैप्पी हो रही हूँ। तो यार फिर रुको ना, लो और लो, अब तो खुश हो जाओ। मैं मतलब दिखा रही हूँ क्या? पागल है, 5 रुपए देता हूँ उसको तुम्हें गंदे बिल्कुल। चलो गाइस मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ और इसकी अनबॉक्सिंग भी बाद में करूंगी। पता नहीं कौन सी साड़ी मंगाई है इन्होंने,
और थैंक यू सो मच न्यू ईयर गिफ्ट के लिए। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं ज्यादा बोल नहीं रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। हाँ इनसे गुस्सा हूँ मैं, ठीक है, वो मैं बाद में सब आपको बताऊंगी क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा आराम कर लूँ। बाय।